खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बात हो रही है महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों और नतीजों के बाद की राजनीति में। महाराष्ट्र की बात करेंगे, अभी हमने फोकस किया था हरियाणा पर। महाराष्ट्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज का संपादकीय बेहद दिलचस्प है, जिसमें शिवसेना बीजेपी पर हमला कर रही है। संपादकीय में सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र की जनता ने निश्चित करके ही ये नतीजे दिए हैं, फिर इसे महाजनादेश कहो या कुछ और, ये जनादेश है महाजनादेश नहीं है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। जनता के फैसले को स्वीकार करके बड़प्पन दिखाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अति उत्साह में मत आओ, सत्ता की धौंस दिखाओगे तो याद रखो राज्य की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है। शिवसेना ने इस मुखपत्र में शरद पवार की भी तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में खुद को तेल लगाए हुए पहलवान के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बड़े मन से इसे स्वीकार करना होगा कि तेल थोड़ा कम पड़ गया और माटी की कुश्ती वाले उस्ताद के रूप में शरद पवार ने गदा जीत ली है। सामना का यह लेख साफ तौर पर दिखा रहा है कि शिवसेना अब अपना प्रभाव असर्ट करना चाह रही है, बीजेपी पर दबाव बनाना चाह रही है, ताकि जब नई कैबिनेट बने उसमें शिवसेना जो है वो ज्यादा हस्तक्षेप रख सके। अति उत्साह में बताओ, सत्ता की धौंस दिखाओगे तो याद रखो राज्य की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है। बीजेपी पर सीधा हमला है सामना में, शिवसेना के इस मुखपत्र में